वशीकरण है, वशीकरण। अबे रुक, योर ऑनर, ये उसी हालत में है जिस हालत में वरुण था। सर, नो। प्लीज जरा देख लेते क्या होता, शायद ये वही सबूत है जो प्रोसिक्यूटर साहब बात कर रहे हैं। रोकिए प्लीज सर, क्या 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 कर रहे हैं आप, प्लीज रोकिए ना। अरे पकड़ी ना, क्या कर रहे हैं आप सर, पकड़ी ना सर, क्या क्या रोकिए ना। मुझे कुछ याद नहीं। एग्जैक्टली योर ऑनर, इन्हें कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। ऐसा ही वरुण के साथ हुआ था और ऐसा ही मिस्टर अंकुर लूथरा के साथ भी हुआ था। योर ऑनर, मैं डॉक्टर बलसारा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। कल मैं मिस्टर कपाड़िया के बंगले के बाहर वरुण के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक मैंने मिस अवनी को बंगले की ओर जाते हुए देखा। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब होश आया तो मैंने खुद को आप सबके सामने यहाँ अदालत में पाया। एग्जैक्टली योर ऑनर, जैसा भी डॉक्टर बलसारा ने कहा वैसा ही टोटका मेरे घर के दरवाजे के बाहर था। और मिस्टर पाठक के असिस्टेंट वरुण के साथ भी ऐसा ही हुआ है। 100% काला जादू है योर ऑनर। योर ऑनर, ये ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। खतरा अब अदालत तक पहुंच गया है। समझ में नहीं आ रहा ये क्या कैसा खेल है ये। खेल जो भी हो योर ऑनर, हमें इस खेल के खिलाड़ी से मतलब है, उससे जिसने मिस्टर लूथरा, वरुण और डॉक्टर बलसारा को अपने वश में किया। लेकिन कैसे केडी, इन लोगों के दिमाग पर इतना कंट्रोल कि इनसे कुछ भी करवा ले। योर ऑनर, इस अदालत में कुछ समय पहले मैंने जादूगर मार्को का केस सुलझाया था, जहां कातिल मशहूर मजिशियन डॉक्टर लाल थे, जो अपने मन की शक्ति से लोगों को सम्मोहित यानी कि हिप्नोटाइज करके अपने इशारों पे कत्ल करवाते थे। योर ऑनर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हिप्नोसिस क्या होता है। आई एम अ साइकियाट्रिस्ट और हम लोग अक्सर अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए उनको हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आज मेरे साथ हुआ, ये हिप्नोसिस या सम्मोहन नहीं था। डॉक्टर बलसारा, ये बात आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए मिस्टर पाठक, वरुण या अंकुर को भले ही कोई हिप्नोटाइज कर सके, बट आई एम एन एक्सपर्ट, मैं तो इस फील्ड में माहिर हूं और मुझे इससे बचने के तरीके भी आते हैं। आई एम श्योर यह हिप्नोसिस नहीं था। और अगर आपको हिप्नोटाइज करने वाला आपसे भी माहिर हो तो, जैसे कि मिस अवनी भंडारी, डिप्लोमा इन हिप्नोथेरेपी From KEL Institute awarded to Miss Avni Bhandari. वो मैंने हिप्नोसिस का सिर्फ एक साल का कोर्स किया है, वो भी अपने कॉलेज के दिनों में।
मुझे तो हिप्नोसिस के सिर्फ बेसिक्स आते हैं, मैं कैसे किसी को हिप्नोटाइज कर सकती हूँ? मिस भंडारी, उस दिन दो लोगों ने आपको कपाड़िया बंगले के बाहर देखा, वहाँ क्या कर रही थी आप? वो मैं मिसेस कपाड़िया से माफी मांगने गई थी, उनसे उनके पति की मौत के लिए। अंकुर ने मेरी वजह से उनके पति की जान ले ली। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैंने होश में रहकर कुछ भी नहीं किया, समझी आप? अंकुर तुम बीमार हो, तुम्हें तो खुद नहीं पता होता कि आप डॉक्टर बलसारा से पूछ लीजिए। डॉक्टर बलसारा, आप अदालत को बता क्यों नहीं देते? एक मिनट, क्या नहीं बता देते? कैसी बीमारी? यही कि अंकुर को गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्से में अपना आपा खो देता है, और बीच में तो उसे ऐसे गुस्से के दौरे पड़ते थे कि वो डॉक्टर बलसारा के पास एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट तक के लिए जाता था। माय गॉड, गुस्से के दौरे? डॉक्टर बलसारा? जी हाँ, अंकुर का एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मैंने ही किया था, लेकिन वो बहुत साल पुरानी बात है। अब अंकुर बिल्कुल ठीक है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। जी योर ऑनर, आई एम ऑल राइट नाउ। और ये बात आप अदालत को अब बता रहे हैं? अब? जी, मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए ये बात कही नहीं। आई एम सो सॉरी योर ऑनर। अब ये केस बिल्कुल साफ है, मिस्टर अंकुर का गुस्सा ही उसका हथियार है। मान लो अंकुर, कन्फेस करो, कन्फेस करोगे तो शायद मेंटल इंबैलेंस के बिना पे तुम्हारी सजा कुछ कम हो सकती है। नहीं मैम, केडी डॉक्टर बलसारा, क्या आप भी गुस्से के शिकार? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने वही हरकत क्यों की जो वरुण और मिस्टर लूथरा ने की थी? वही याददाश्त की कमजोरी, माथे पर वही लाल तिलक, क्यों? मिस्टर पाठक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंकुर ने कपाड़िया की जान गुस्से में नहीं ली, लेकिन ये हिप्नोसिस भी नहीं है, ये कुछ और ही है। क्या है? खैर, वो जो चार आंकड़े आप अदालत में दोहरा रहे थे, बस 7 9 3 1, राइट? उन आंकड़ों का क्या अर्थ होता है? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूं योर ऑनर, अगर आप सारे गवाहों की कॉन्टैक्ट लिस्ट पर गौर फरमाएं तो पाएंगे कि 7 9 3 1 7 9 3 1 तांत्रिक मरीज के फोन नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स हैं। सात नौ तीन एक 7 9 3 1 तो मेरे बिजली के बिल का कंज्यूमर नंबर भी है। केडी योर ऑनर, वरुण के माथे पर लगे हुए तिलक का हमने फोरेंसिक्स में जांच कर और ये पाया गया है योर ऑनर कि वो वही लाल कुमकुम है जो तांत्रिक मरीच अपने भक्तों के माथे पर लगाते हैं। मरीच, मैंने कहा था ना केडी, मेरा शक सही निकला। I was so right. योर ऑनर, यही है वो जिसने सब पर काला जादू किया है। जज साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ये जादू टोनों जैसी चीजों में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि इस सब के पीछे इस तांत्रिक का हाथ है। मुझे कल जो साया दिखाई दिया था वो इसी का ही था। यकीनन इसी का ही था। योर ऑनर, इन दोनों का मानना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके पीछे तांत्रिक मरीज का हाथ है। ये फैसला आपको करना है कि तांत्रिक मरीज को कटघरे में बुलाया जाए या नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि कानून अंधविश्वास की प्रथा को ना मानता है और ना ही उसका प्रचार करता है। इसलिए आप लोगों को जो कुछ भी करना और पूछना है इस बात को मद्देनजर रखते हुए कीजिएगा। मरीज महाराज, इस अदालत में उपस्थित 3 व्यक्तियों का ये कहना है कि आपने उन पर काला जादू का प्रयोग किया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तुम कभी गाड़ी चलाते हो? एक्सक्यूज मी, मान लो तुमने गाड़ी चलाई, रेस जीत ली, पुरस्कार मिला। मैंने गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट कर दिया, दंड मिला, तो कोई गाड़ी को दोष देगा या तुम्हें?
इसलिए जादू जादू होता है, न वो काला होता है न वो सफेद। काला सफेद तो जादू करने वाले के दिल में होता है। बहुत खूब बात कही आपने, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। काला सफेद या किसी भी रंग का जादू कभी किया? नहीं। लेकिन डॉक्टर बलसारा का ये कहना है कि उन्होंने बेहोशी की हालत में आपका साया देखा था। ये इस बच्चे का भ्रम है वकील साहब। मैं सुबह से अदालत में हूँ तो मैं इस पर जादू टोना करके कैसे बेच सकता हूँ उसे मैं? मतलब मिस्टर अंकुर पर भी आपने जादू टोना नहीं किया था? नहीं, मुझे पता था। मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया होगा। क्या कहा आपने? जरा अदालत को समझाइए। जज साहब, मुझे इस बच्चे पर पूरा विश्वास है, इन तीनों पर पूरा विश्वास है, और ये तीनों निर्दोष हैं। अगर इन तीनों को हत्या के इरादे से किसी मायावी ने कहीं भेजा था तो मैं वो मायावी नहीं हूं। अगर हूं तो साबित करें। माना कि मिस्टर रुंझुन कपाड़िया के कत्ल के बाद मिस्टर वरुण और डॉक्टर बलसारा के साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे हुए हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई पुलिस को अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि अदालत को ये नहीं लगता कि उनका मिस्टर कपाड़िया के कत्ल से कोई वास्ता है। एक ऐसा कत्ल जो मिस्टर अंकुर लूथरा ने सरेआम किया है और जिसे उन्होंने कबूला भी है, इसलिए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अंकुर लूथरा मिस्टर कपाड़िया के कातिल हैं और उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। योर ऑनर, अब अंकुर लूथरा के खिलाफ सजा सुना रहे? हाँ केडी, तुम्हारा कोई भी सबूत या गवाह उसे नहीं बदल सकता। तुम्हारी पहली शिकस्त केडी मेरे हाथों। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। योर ऑनर, आप बेशक मिस्टर कपाड़िया के कत्ल के जुर्म में अंकुर लूथरा को सजा सुना दीजिए, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यही फरियाद है मेरी अदालत से। मानसिक स्थिति? यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 84 के तहत मैं इनकी सजा कम करवाने की। केडी, बहुत देर हो चुकी है अब। केडी, मैंने बोला था कि बोल दो दिमाग खराब है, सजा कम करवा दूंगा, लेकिन अब नहीं। क्यों प्रोसिक्यूटर, केस अब तक खत्म नहीं हुआ? हम कैसे यकीन करेंगे कि मिस्टर अंकुर का दिमाग खराब है? मैं यकीन दिलाता हूँ। क्या आप डॉक्टर हो? ऑब्वियसली नॉट। डॉक्टरी जांच के बिना हम कैसे कहेंगे, कैसे मानेंगे कि इसका दिमाग खराब है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे मुवक्किल को डॉक्टर के पास दिमागी जांच के लिए भेजना ही चाहिए। केडी, अगर ऐसा है तो मिस्टर लूथरा के मेडिकल जांच से पहले यह अदालत अपना फैसला नहीं सुना सकती। एग्जैक्टली योर ऑनर, आपको इस केस में अपना फैसला स्थगित करना पड़ेगा। यह अदालत मिस्टर अंकुर लूथरा के प्ली ऑफ इंसैनिटी को सुनने के बाद उनके मेडिकल जांच का हुक्म देती है और तब तक अपना फैसला स्थगित करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। प्रोसिक्यूटर साहब, थैंक्स यार। मान गया तुम्हारे दिमाग को, अगर लास्ट मिनट पर तुमने वो प्ली ऑफ इंसैनिटी की बात नहीं छेड़ी होती ना, फैसला सुना दिया गया होता मेरे खिलाफ। फैसला रद्द नहीं हुआ अंकुर, केवल टला है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर हो जाएगा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्वस्थ है और जज साहब तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना देंगे। ऐसा हो उससे पहले तुम्हारे समर्थन में साक्ष्य ढूंढना ही होगा मुझे। पहले तुम, फिर वरुण, और अब डॉक्टर बलसारा, और अदालत में हमला। जो भी ये कर रहा है एकदम सीना जोरी से कर रहा है। हर बार एक नया पैतरा, एक नया शिकार, और शिकार के होठों पर एक नया नंबर। कभी विशाल की गाड़ी का नंबर, कभी अवनी के फ्लैट का नंबर, तो कभी मरीज के टेलीफोन नंबर।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो वो चाहता है। कौन? वही जो ये सब कर रहा है। वो चाहता है कि हम इस केस में गुमराह हो जाए। यू नो, मुझे पूरा शक उस तांत्रिक मरीज पर है। कंफर्म, ये काम वही कर सकता है। क्यों? मरीज तुम्हें क्यों फंसाएगा? क्योंकि एक दिन कपाड़िया की बीवी सिंदूरा, उसका भाई, उसकी पत्नी, ये तीनों तांत्रिक मरीज के बहुत बड़े भक्त हैं। इन तीनों की वजह से तांत्रिक ने उनके घर पे अच्छा खासा डेरा जमा लिया था। एक दिन मेरे कहने पर कपाड़िया ने उसे घर से भगा दिया, क्योंकि हमें लगा था वो ढोंगी है। तो तुम कह रहे हो कि उसने उस बात का बदला तुम दोनों से लिया, एक के हाथों दूसरे को मरवा कर? यकीनन। यू नो केडी, तुम्हें भी मेरी तरह अपनी राय बदलनी होगी। तुम्हें काले जादू पर विश्वास करना होगा, तभी तुम ये केस जीत पाओगे मेरे लिए। काला जादू विश्वास नहीं, अंधविश्वास होता है। ये सब हाथों का खेल है, आंखों का धोखा है। तो फिर मेरे साथ जो हुआ वो क्या? जो तुम्हारे साथ हुआ उसकी शुरुआत तुम्हारे घर से हुई। एक बात बताओ अंकुर, तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद तुम्हारे घर पे कोई आता जाता रहा है या बंद पड़ा? घर तो बंद ही पड़ा है। तुम्हारे घर की चाबियां चाहिए होंगी मुझे। अब मेरी खोज वहीं से शुरू होगी। दबे घर को तो देखकर लगता है कि कोई आया गया नहीं है। लगता तो ऐसा ही है। दवे, इस ग्लास और इसमें जो लिक्विड है, इसकी फोरेंसिक से जांच करवानी होगी। किस लिए केडी? जब ये साफ हो गया है कि अंकुर ही कातिल है, तो फिर इस ग्लास की जांच किस लिए? मैं खुद इसे फोरेंसिक्स में भेज देता, लेकिन तेरे पास जो वर्दी है वो मेरे पास नहीं है ना, इसलिए तुझे ही भेजना। आराम से। थैंक्स। आइए इंस्पेक्टर दवे। हाँ बंटी। केडी बता ना, तुम्हारा दोस्त दिन में 4 बार शेव करता है, फिर भी उसकी दाढ़ी है, कैसे? मैं तुझसे पहले ही पूछता हूँ ना, तो उसके बारे में सोचा कर, नहीं तो बड़ा होके वकील कैसे बनेगा? एक मिनट होल्ड कर, वरुण का फोन आ रहा है, मैं तुझे बाद में करता हूँ। ओके केडी। हाँ वरुण बोल। अच्छा एक बात बता, पंजाबी आती है तुझे? ओ महाराज जी, बस तुसी मैनू बचा सकते हो। मेरी कंजूस मौसी का कुछ इलाज करो, कोई चक्कर चलाओ। तो तू अपनी मौसी पर जादू टोना करवाना चाहता है? हो जी, ताकि वो आपके बस में आ जाए और सारी जायदाद मेरे नाम कर दे, और आपका हिस्सा जो आप चाहो। मैं एक बात जानता हूँ, आप ये जादू टोने में उस्ताद हो जी। अपनी मौसी की कोई वस्तु लेकर आया है? जैसे कि कंगन, कड़ा, उसकी साड़ी का कोई टुकड़ा, बिंदी, कुछ भी? जरूर महाराज, ये लो जी। पर आप इसका करेंगे क्या? दरअसल किसी पर भी काला जादू करने से पहले महाराज मरीज को उसकी कोई निजी वस्तु टूना टोटका के लिए चाहिए होती है। अब तू 2 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा दे। पूरे 2 लाख है। तेरा काम 10 दिन में हो जाएगा। अब तू जा यहां से, जा। धन्यवाद महाराज।
केडी, बताओ ना कि तुम्हारा दोस्त दिन में 4 बार शेव करता है, फिर भी उसकी दाढ़ी है। हाँ, क्योंकि वो हजाम है, दूसरे लोगों की हजामत बनाता है लेकिन खुद दाढ़ी बढ़ाता है। ओ, तब भी वो शेव करता है लेकिन उसकी दाढ़ी है। अब तेरी हजामत बनाऊं उससे पहले भाग यहाँ से। चल। हाँ दवे, बोल क्या निकला ग्लास की रिपोर्ट में। सर जी, आप ये सब कुछ मुझसे कब तक करवाते रहोगे? ये काम खत्म होते ही मैं अपने गांव विलासपुर जाकर। ओ महाराज जी, माफी चाहूंगा, मैं अपना बैग भूल गया था। तो बस आप 10 जनाजे अंदर मेरा काम कर देना, फिर बल्ले बल्ले। सर, जहां आपने मुझे भेजा था उसकी फुटेज देखिए। पिछली बार आपने अपना फैसला स्थगित किया था मिस्टर अंकुर लुथरा की मेडिकल जांच के लिए। मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट वही है जो पहले से हम जानते थे, परफेक्टली नॉर्मल। केडी, अच्छा पैंतरा था फैसला रुकाने का, लेकिन अफसोस फेल हो गया। योर ऑनर, रिपोर्ट देखिए और अंकुर लुथरा को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उम्र कैद नहीं, डायरेक्ट फांसी दीजिए, ताकि ये अंकुर जैसे बेरहम कातिलों के लिए ही नहीं, केड़ी जैसे वकीलों के लिए भी मिसाल बने। मैं आपकी बातों से सहमत हूं मिस्टर राणे। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। जस्ट अ मोमेंट योर ऑनर। अब क्या है केड़ी? हम ये कहेंगे कि इनका दिमाग गड़बड़ा गया है पहली हार के डर से। योर ऑनर, अच्छा और सच्चा फैसला वही होता है जिसे करने से पहले हर बारीकी को, हर पहलू को नाप तोल लिया जाए। मैं चाहता हूं कि आप फैसला सुनाने से पहले एक बार फॉरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी का बयान सुन लें। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर रस्तोगी आइए। योर ऑनर, मिस्टर अंकुर लूथरा के गिरफ्तारी के बाद इनका घर बंद पड़ा हुआ था। कल इंस्पेक्टर दवे और मैं वहां छानबीन करने गए तो वहां से ये ग्लास मिला। मिस्टर लूथरा, आप इस ग्लास को पहचानते? हाँ, मेरे घर में इसी किस्म के ग्लासेस हैं, और जिस दिन मिस्टर कपाड़िया का कत्ल हुआ मैंने इसी ग्लास से पानी पिया था और मैं घर से निकला था। और घर से निकलने के तुरंत बाद आप बेहोश हो गए थे। योर ऑनर, डॉक्टर रस्तोगी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। डॉक्टर रस्तोगी प्लीज। योर ऑनर, इस ग्लास में फोरेंसिक्स को भारी मात्रा में रेबनॉल के मिश्रण से बना हुआ सेडेटिव मिला है, जिसका ना कोई रंग और ना ही कोई स्वाद है। इसे पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है और बेहोशी में की गई जो हरकत है वो होश में आने के बाद उसे याद नहीं रहता। डॉक्टर रस्तोगी, जाहिर सी बात है कि अंकुर ने इस ग्लास से पानी पिया था तो इस पर आपको अंकुर की उंगलियों के निशान मिले होंगे। जी हाँ। जिसका अर्थ ये निकलता है कि अंकुर सच कह रहा है। जी। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी, बैठिए। योर ऑनर, इस ग्लास में मिले बेरंग मिश्रण ने अचानक इस केस को एक नया रंग दे दिया है। मिस्टर अंकुर लूथरा की कहानी बिल्कुल सच्ची है। किसी ने बड़ी शातिरता से इन्हें अपने वश में किया हिप्नोसिस द्वारा और फिर इनसे कत्ल करवाया। यकीनन बेहोशी की इस दवा ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है, लेकिन फिर से हिप्नोसिस के थ्योरी क्यों? आपके सवाल का जवाब है वो अलग अलग आंकड़े जो अंकुर, वरुण और डॉक्टर बलसारा अपनी मदहोशी की हालत में दोहरा रहे। आज इन्हें तुम किसी के गाड़ी के नंबर से जोड़ रहे थे या किसी के टेलीफोन नंबर से। आई अग्री विद यू मिस्टर प्रोसिक्यूटर। लेकिन योर ऑनर, ये किसी की गाड़ी का नंबर नहीं, ना ही किसी का टेलीफोन नंबर है, ना ही प्रोसिक्यूटर साहब के
बिजली के बिल का कंज्यूमर नंबर। हाँ सब जानते हैं, लेकिन क्या नंबर क्या है ये आखिर? योर ऑनर, जब से मैंने इस केस का दायित्व उठाया है, मैं हिप्नोथेरेपी पर जानकारी हासिल करने में लगा हुआ, और मैंने ये पाया कि किसी को सम्मोहित करने के लिए, किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए उसके मन को पूरी तरह से वश में करना आवश्यक होता है। और चूंकि इंसान का मन हर पल हर घड़ी सोचता रहता है, चलता रहता है अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग बातों पर, यह बहुत जरूरी है कि मन को एकत्रित किया जाए, एक चिन्ह पर लाकर केंद्रित किया जाए, तभी मन वश में किया जा सकता है। कैसे किडी? कई तरीके हैं यार, जैसे कि पेंडुलम का इस्तेमाल, सवाल जवाब, ट्रांस म्यूजिक का इस्तेमाल, लेकिन इनमें से सबसे नायाब तरीका है मेंटल मैथ्स, मानसिक गणित, जहां पर कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं 36 प्लस 26 इंटू 12 माइनस 104 प्लस 75 इत्यादि इत्यादि। इंटरेस्टिंग। ऐसी अवस्था में योर ऑनर, मन को वश में करना आसान हो जाता है, और मन के वश में आते ही वो हर दिए गए आदेश का पालन करने लगता है, और बार बार उस सवाल के जवाब को दोहराने लगता है, यानी कि वो आंकड़े। इसीलिए योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर लूथरा, वरुण और डॉक्टर बलसारा पर कोई काला जादू नहीं, कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हिप्नोसिस किया गया था। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो ये हिप्नोसिस किसने किया है केडी? योर ऑनर, सबसे पहले मेरा शक मिस अवनी भंडारी पर गया, क्योंकि उन्होंने एक साल की हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना कैलकुलेटेड हिप्नोसिस करने के लिए जो अनुभव की जरूरत है वो उनके पास नहीं। बचे डॉक्टर बलसारा। वैसे डॉक्टर बलसारा, आप चिंता मत करिए, आप भी तो हिप्नोसिस के शिकार हुए थे। बट इंटरेस्टिंगली योर ऑनर, दिलचस्प बात यह है कि हमारे बीच एक तीसरा हिप्नोटिस्ट भी है। तांत्रिक मरीज, हिप्नो हिपो क्या? वकील साहब, जब मुझे इस क्रिया का नाम ठीक तरह से लेना नहीं आ रहा है तो मैं ये क्रिया कैसे करूंगा? मैं तो सिर्फ तांत्रिक हूँ। तांत्रिक? तांत्रिक है? हाँ, कोई शक नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं, सिर्फ यकीन। लेकिन आपका यह भ्रम मैं दूर किए देता हूं। जी। सर जी, ये सब काम आप मुझसे कब तक करवाते रहोगे? देखना, एक दिन मैं बुरी तरह से पकड़ा जाऊंगा। एक बार, बस एक बार तुम दीदी की सारी जायदाद मेरे नाम करवा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा, समझे ज्वाला? और घबराओ मत, वरना हम सब मारे जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो निशान, एक तो वो केडी पाठक हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे तो डर है कि कहीं वो हम तक ना पहुंच जाए। अब से हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा, समझे ज्वाला? सर जी, मैं सोचता हूं कि एक काम खत्म हो जाएगा तो मैं अपने घर बिलासपुर चला जाऊंगा। अब क्या कहते हैं तांत्रिक मरीज, या फिर कहूं बिलासपुर के जादूगर ज्वाला? भाई बाप, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक जादूगर हूं। ये जो विशाल है ना, ये मुझे मुंबई लेकर आए थे। तांत्रिक का धंधा मुझे सिखाया है इन्होंने। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो आप इन्हीं के कहने पर लोगों को ठगते थे? जी हाँ, लेकिन
लेकिन इसका असल शिकार जो है इसकी अपनी बहन थी साहब, मिसेस सिंदूरा कपाड़िया, जिन्हें आपने हिप्नोसिस द्वारा मोहित किया और फिर अपने इशारों पर चलवाया। सही बात तो साहब ये है कि ये चाहते थे कि मैं इनकी दीदी को फैला कर फुसला कर इनकी पूरी जायदाद विशाल बाबू के नाम करवा दूं, बस इतनी सी बात थी साहब। लेकिन मिस्टर कपाड़िया को इस बात का एहसास हो गया जिसके कारण आपने मिस्टर लूथरा पर हिप्नोसिस किया और इनसे मिस्टर कपाड़िया का कत्ल करवाया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया साहब। क्या ये सही नहीं कि आपने कई वर्षों तक सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस सीखा है, जो एक माहिर जादूगर की कला का बहुत अहम हिस्सा है? मैं ये कम जानता तो हूँ लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। अगर किया होगा तो ये विशाल बाबू ने किया होगा या कीर्ति मैडम ने किया होगा। मैं तो एक बस छोटा सा जादूगर हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी माना, इस सारे प्लान का मास्टर माइंड मैं ही था। मैंने ही ज्वाला को मरीज बनाया, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने भाई साहब के पैसे हथियाना चाहता था। उन्हें मारकर अपनी बहन को विधवा कैसे कर सकता था? ये काम मेरा नहीं है, ये किसी और ने किया है। जज साहब, आप मेरे पति की बात पर यकीन कीजिए, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमें तो ये हिप्नोटिज्म आता भी नहीं है, हम दोनों निर्दोष हैं। ये सब कुछ इस ज्वाला ने किया है, हमें बिना बताए। ये बहुत ही शातिर शख्स है। सिंदूरा, हमें माफ कर दो प्लीज। अपने भाई और भाभी का असली रूप देखकर मैं खुद हैरान हूं जज साहब। इतना बड़ा धोखा, फिर भी मेरा भाई खून नहीं कर सकता, वो मेरे पति को नहीं मरवा सकता जज साहब। इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता वो। ये सब अवनी की चाल है, अवनी ने सब कुछ करवाया है। मेरे पति ने इसे शादी करने से मना कर दिया था और इसे एक कला भी आती है जज साहब। ये जादू टोना सब कुछ इसी ने करवाया है। ये क्या बकवास है केड़ी? तुमने तो पूरा केस बिखेर दिया। अभी हर कोई दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, कोई कह रहा है तांत्रिक, कोई कह रहा है उन्हीं। तुमने तो पूरा खलबली मचा दी। जब सच पे से पर्दा उठता है और उस पर्दे के पीछे छिपे हुए लोग मुंह छुपाने के लिए भागते हैं, अफरा तफरी मचती है, खलबली तो मचेगी मिस्टर राणे। लेकिन इस सब के पीछे है कौन केडी, और तुम ये साबित कैसे करोगे? मिस्टर लूथरा, जाहिर सी बात है कि इस ग्लास से पानी पीने के बाद आप बेहोश हुए थे, यानी कि किसी ने इस ग्लास में नशे की दवाई मिलाई थी। याद करके बताइए कि आप घर से निकले उससे पहले उस दिन कौन कौन आया था आपसे मिलने? उस दिन घर पे हाँ ये अवनी और डॉक्टर बलसारा आए थे। डॉक्टर बलसारा तो खुद हिप्नोटाइज हुए थे, मतलब अवनी? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो बस अंकुर के घर उससे माफी मांगने के लिए गई थी। आपके अलावा और कौन हो सकता है मिस भंडारी? क्योंकि मिस्टर लूथरा से मिलने डॉक्टर बलसारा के अलावा सिर्फ आप उस दिन गई थी। जिस समय वरुण पर पीछे से हमला हुआ था उस वक्त भी आप वहां मौजूद थी, जिस समय डॉक्टर बलसारा बेहोश हुए थे उस वक्त भी आप वहां मौजूद थी। इस तरह आप धमका नहीं सकते, सबूत पेश करो। सबूत सबूत भी दूंगा मिस्टर राणे, समय आने पर। बीच में मत टोकिए मुझे। हाँ तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर बलसारा ने अंकुर का कहना है कि उससे ये खून जादू टोने से करवाया गया।
मुझे पर पूरा विश्वास है, इन तीनों पर पूरा विश्वास है। अगर इन तीनों को हत्या के इरादे से किसी मायावी ने कहीं भेजा था तो मैं वो मायावी नहीं हूं। योर ऑनर, मैं डॉक्टर बलसारा से चंद सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? डॉक्टर बलसारा, आप जब उस दिन अदालत में आए थे आपके साथ वैसी ही घटना घटी थी जैसे कि अंकुर और वरुण के साथ, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी हाँ। आपके हाथों में कांच का टुकड़ा था। संभालिए संभालिए, शार्प है। हाँ बहुत शार्प है। अंकुर के हाथों में तो गन थी, आपके हाथों में महज एक कांच का टुकड़ा, क्यों ऐसा? How do I know? ये सवाल तो आपको उससे पूछना चाहिए जिसने मुझे हिप्नोटाइज किया था। डॉक्टर बलसारा, जिस तरह का घाव मेरी उंगली पर लगा है इससे भी गहरा घाव अंकुर के हाथों में लगा था, लेकिन उसे इस बात का इल्म भी नहीं था। आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन में? वो इसलिए मिस्टर पाठक क्योंकि इस तरह के हिप्नोसिस में इंसान को अपने आसपास के माहौल की कुछ खबर नहीं रहती है, वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार धीरे से अदालत के सामने दोहराएंगे। जज साहब, जिस तरह का हिप्नोसिस अंकुर के साथ हुआ या फिर मेरे साथ भी हुआ था, उस तरह के हिप्नोसिस में इंसान को अपने आसपास के माहौल की कुछ खबर नहीं रहती है, वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है। तो फिर क्यों डॉक्टर बलसारा, जब आप अदालत में दाखिल हुए थे इंस्पेक्टर दवे ने आप पर गन तान के कहा था स्टॉप, तो आप रुक गए थे? नहीं 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 मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं, इंस्पेक्टर ने कोई गन नहीं निकाली थी, ना ही मैं रुका था। मैं तो सीधा कटघरे की ओर गया था और अंकुर को मारने ही वाला था कि तभी कोर्ट प्लीज। जिस तरह का हिप्नोसिस अंकुर पर किया गया या आप पर किया गया, ऐसे हिप्नोसिस की हालत में इंसान को अपने आसपास की माहौल का कुछ खबर नहीं होता, वो बिल्कुल बेखबर होता है। ये आपके लफ्ज हैं, मेरे नहीं डॉक्टर बलसारा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस दिन पूरे होशो हवास में थे, बेहोशी का ढोंग कर रहे थे। Am I right? Or am I right? Doctor, Doctor बलसारा। चलिए, सच तो अदालत पर जाहिर हो चुका, अब ये भी बता दीजिए कि आपने क्यों किया है? इस तांत्रिक को फंसाने के लिए। इस सारे षड्यंत्र के पीछे मैं ही हूं। मैंने ही अंकुर के पानी में नशे की दवाइयां मिलाई और उसके घर के बाहर टोटका रखा। अंकुर, अंकुर, तुम मुझे सुन सकते हो? अंकुर, अब मैं कुछ नंबर बोलूंगा, वो तुम्हें दोहराने हैं। बोलो 50+50। अंकुर, 0+50। 100×9=900। 100×9=900। फिर बोलो 4825। 4825। दोहराते रहो। 4825। अब जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वही करना अंकुर। 4825।
4825. अब जाओ और अपने पार्टनर कपाड़िया को गोली मारकर जान से मार दो. 4825. यानी कि उस दिन जब आप वरुण के साथ मिस्टर कपाड़िया के बंगले पर गए थे, आप ही ने वरुण पर पीछे से वार किया और उसे बेहोश किया और उसके बाद उसे सम्मोहित करके मुझे मारने भेजा, राइट? और उस दिन मैंने कोर्ट में हिप्नोसिस का नाटक किया ताकि मैं शक के दायरे में ना आ सकूं और सबको लगे कि इस सबके पीछे ये तांत्रिक मरीज ही है. और मेरी गाड़ी के आगे वो टोटका भी आप ही ने वहां डाला था. मरीज को फंसाने के लिए. क्यों फंसाना चाहते थे आप मरीज को? अपनी बहन का बदला. जज साहब, मेरी बहन को कैंसर था. उसका डॉक्टर से इलाज चल रहा था. शायद वो ठीक भी हो जाती, लेकिन किसी के बहकावे में आकर वो इस ढोंगी मरीज के जाल में फंस गई. इसने उसे भरोसा दिलाया कि ये उसे ठीक कर देगा, उसकी बीमारी को दूर कर देगा, लेकिन उसके लिए पहले मेरी बहन को अपने डॉक्टर्स का इलाज बंद करके इसके झाड़ फूंक में विश्वास करना पड़ेगा जज साहब. और मेरी बहन ने वही किया. अपना सारा भरोसा, सारे पैसे इसके हवाले करके मर गई. जज साहब, अगर ये तांत्रिक ना होता तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती. तभी मैंने फैसला किया कि इसे इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा. और इसके लिए आपने अपने दोस्त की कुर्बानी देनी चाहिए. सैड बट ट्रू. आई एम सॉरी अंकुर. जज साहब, जो कुछ भी हुआ, अंकुर ने जो कुछ भी किया वो सब अपनी बेबसी में किया और मेरे बदले के लिए. यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर रुंझुन कपाड़िया के कत्ल में मिस्टर अंकुर लूथरा को महज एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है. असली कातिल डॉक्टर फिरदौस बलसारा है. इसलिए यह अदालत डॉक्टर बलसारा को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर लूथरा को बाइज्जत बरी करती है. द केस इज क्लोज्ड. आजादी मुबारक हो मिस्टर लूथरा. थैंक यू सो मच. पता नहीं इस दुनिया में काला जादू होता है नहीं होता, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया ना, वो जादू जरूर होता है और वो सिर्फ तुम कर सकते हो. जादू करो तुम यार. मान गए. थैंक यू. वैसे जादूगर तो आप भी हैं. निर्बल की रक्षा करिए, जरूरतमंद की सहायता. बन गए ना आप जादूगर. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.